बीमारी होती है। सर छोड़ो, ये योगी राज का सुशासन है। कुत्ते के जैसे लड़के ऐसे ही मर रहे हैं और इनको छीना झपटी हो रहा है। ये कौन है? ये छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे ये किसी दूसरे ग्रह से आ गए हैं। प्रशासन प्रशासन एक ऐसे ऐसी हरकत कर रही है जैसे ये लोग इंसान नहीं है। सर सर ये बताइए, सुनिए प्रशासन देखिए। जल्दी फोन करो, जबरन इनको बंद किया जा रहा है। और ये देखिए, एक तो बच्चे ऐसे ही अमरण अनशन में बैठे हैं और इनको नोचा जा रहा है जैसे ये इंसान नहीं है। और ये योगी राज का सुशासन है, इनकी प्रशासन इतनी निर्दयी हो गई है कि एक अमरण अनशन से जो 10 दिन से भूखे हैं, लेकिन 10 दिन से लड़के भूखे हैं, एक अपनी पत्नियों को निचोड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन आके इनको ऐसे नोच रहा है जैसे ये इंसान नहीं है। ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कायरता। प्रशासन के दम पे बच्चों के साथ अत्याचार शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक अनशनकारी छात्र पे ऐसा व्यवहार किया जाए कि उसके हाथ को पकड़ के, पैर को पकड़ के, आंखों को पकड़ के और बालों को पकड़ के नोचा जा रहा हो। ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रशासन। और ये इलाहाबाद छात्र कर रहे थे, प्रशासन जबरिया नोच के एम्बुलेंस में डालना चाहती थी, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का हौसला इतना बुलंद है, मरने को तैयार है, लेकिन प्रशासन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इतना दिन से त्याग किया, वो पकड़ लो यार, पानी लो यार, पहले ए पहला ए पानी लो इसके ए बच्चा दबा के सांस गिनने को तैयार है, पर इनको जाने के तैयार नहीं है। इंसानियों के हौसले को, दर्जे को सलाम करिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जो 10x10 के कमरे में हॉस्टल में बैठे हैं, उनके लिए ये छात्र अमरण अनशन पे बैठे हैं और प्रशासन इनको नोच नोच के लेके हॉस्पिटल लेके जाना चाहती है। ये सब कुलपति महोदय और इलाहाबाद प्रशासन की मिली भगत है कि अमरण अनशनकारी छात्रों किया जा रहा है जो निंदनीय है। कोई वार्ता इनसे नहीं होगी, इनसे वार्ता हमारे विश्वविद्यालय कुलपति से होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र कह रहे हैं कि वार्ता गेट बंद कराओ यार, जिला प्रशासन से कोई वार्ता नहीं होगी। ये तो जबरिया है ना, पुलिस प्रशासन बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ विश्वविद्यालय के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन अपना पुलिस प्रशासन में जो छात्र अमरण अनशन में नहीं चलेगी, खराब है कि वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशासन इनको आके नोच रही थी जैसे ये इंसान लड़का पे ये बेहोश हो चुके हैं। देखिए ये देखिए, ये बेहोश हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इनको ऐसे नोच रही थी जैसे ये इंसान नहीं हो। कोई पैर पकड़ के, कोई बाल पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के नोच रहा था इन लोगों को। एक तो ये अपने अतड़ियों को ऐसे निचोड़े हैं, 10 दिन से यही तरीके पे बैठे हैं और अपनी अतड़ियों को निचोड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन इनको जबरिया उठा के नोच के हॉस्पिटलाइज करना चाहती थी या जेल भेजना चाहती थी। उसकी मंशा कौन जानता है, लेकिन ये योगी राज में जो शासन कुशासन बोला जाता है उसका हम लोग निंदा करते हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने छात्र 10x10 के कमरे में बैठे हैं, वो भी देखें कि आपके भाई के साथ क्या क्या अत्याचार किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। हवाला उसको, हवाला। कई अमरण अनशनकारी छात्र बेहोश हो चुके हैं, लेकिन अब उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हार मानने को तैयार नहीं है और अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। बोलो हॉस्टल, बोलो हॉस्टल।
ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये ऐसा दुर्गति है।